नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चाय जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ताजगी का एहसास हो जाता है, हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है। लेकिन हम आज आपको चाय के बारे में बताना चाहते हैं कि इसको अधिक मात्रा में पीने से या फिर यूं कहें कि खाली पेट पीने से क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। सुबह सुबह एक प्याली चाय पीना लगभग सभी की रूटीन में शामिल होता है। दिन की शुरुआत अगर चाय से हो जाए तो एक अलग ही ताजगी आ जाती है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। पर जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो इसी के चलते हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे दिन में 4 से ज़्यादा कप पीना शरीर के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो चाय जो आपके शरीर में फुर्ती लाती है, अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा या फिर खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके शरीर में न जाने क्या क्या नुकसान कर सकती है, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज की हम अपनी वीडियो में आपको यही नुकसान बताना चाहते हैं ताकि आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकें। तो आइए जानते हैं चाय से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, ज़्यादा चाय पीना घबराहट और बेचैनी बढ़ाता है क्योंकि चाय में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, हालांकि कॉफ़ी से काफ़ी कम होती है, लेकिन ज़्यादा चाय पीना हानिकारक हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने से इनडाइजेशन भी होता है। खाली पेट ज़्यादा चाय लेने से पेट की दिक्कत बढ़ती है और यह भयंकर गैस्ट्रिक की दिक्कत पैदा कर सकता है। दोस्तों कई लोग चाय को बार बार गर्म करके भी पीते हैं, उनको हम ये जानकारी दे दें कि ऐसा करने से उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें भी आने लगती हैं। चाय के सेवन से आपकी पाचन शक्ति खराब हो सकती है और रक्त में लोहे की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो सकती है। दोस्तों मेडिकल साइंस के अनुसार ज़्यादा चाय पीने से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और मेडिकल साइंस के अनुसार ही ज़्यादा गर्म चाय पीने से पेट को जोड़ने वाली नलियों पर असर पड़ सकता है, जिससे कैंसर भी हो सकता है। चाय आपकी स्किन प्रॉब्लम को भी जन्म देती है। ज़्यादा चाय पीने से यूरिन भी बार बार आता है और इससे बॉडी से कई ज़रूरी मिनरल बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों ज़्यादा चाय पीने से आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा चाय पीने से नींद की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। हद से ज़्यादा अगर कोई इंसान चाय पीता है तो वह इसका आदि बन जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपको चाय नहीं मिलती तो उसे बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है, उसका सर दर्द होता है, इवन कि कई बार वो इरिटेट भी होने लगता है। दोस्तों सुबह सुबह अगर आप काली चाय में दूध मिलाकर पीते हैं तो इससे आपको उल्टी और मितली आना शुरू हो जाता है, क्योंकि काली चाय में दूध मिलाने से इसके एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं और ये उतनी असरदार नहीं रहती। इसलिए ज़्यादा चाय पीने से कई बार आपको उल्टी भी आने लग जाती है और आपको घबराहट भी होने लग जाती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज पत्ती वाली चाय पीने से भी आपके पेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। जी हाँ दोस्तों, तेज पत्ती वाली चाय पीने से आपके पेट को सीधा नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि तेज पत्ती वाली चाय से आपके पेट में अल्सर और एसिडिटी हो सकती है। अगर आप इन सब नुकसानों से बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिर्फ 1 कप सुबह और 1 कप शाम को चाय का पीना है। जी हाँ दोस्तों, आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं, बस हद से ज़्यादा चाय का सेवन छोड़ देना है आपको। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने प्रीशियस कमेंट भी हमें भेजना ना भूलें। धन्यवाद।